हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको नंद बाबा के महल के दर्शन कराने आया हूं। देखिए, ये नंद बाबा के महल के दर्शन, ये नंद बाबा का महल का प्रांगण जहां पर नंद बाबा आकर रहे थे। ये देखिए, ये सामने नंद बाबा विराजमान हैं, मैं उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, नंद बाबा का जो मंदिर नंदेश्वरी पर्वत पर बना हुआ है, नंद बाबा का पर्वत नंदेश्वरी पर्वत पर बना हुआ है। नंद बाबा नंदेश्वरी पर्वत पर क्यों आए थे, उसका एक कारण है कि कंस का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिनसे कृष्ण को मारने का खतरा बना हुआ था, सब लोगों में भय व्याप्त था। तो नंद बाबा अपने परिवार सहित नंदेश्वरी पर्वत पर आ गए और वहीं पर उन्होंने गांव अपना बसा लिया, जिस गांव को आज हम नंद गांव के नाम से जानते हैं। नंदगांव में कंस के जो राक्षस थे वो नहीं आते थे, उसका कारण था कि उनको ऋषि का श्राप प्राप्त था कि जो भी नंदेश्वरी पर्वत पाएगा वह पत्थर का बन जाएगा। हेलो, देखिए ये रसोई घर माँ यशोदा का, जहाँ पर माता यशोदा सभी के लिए अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। कृष्ण भगवान के लिए माखन बेला जाता था, माखन को रखती थी। तो यहाँ पर श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। यह दृश्य नंद गांव का है। देखिए दूर दूर तक गांव की किस प्रकार बसे हुए हैं। ये यहाँ पर भक्त लोगों को जानकारी दे रहे हैं पंडा लोग कि कहाँ किसका मंदिर है, कहाँ तालाब बना हुआ है। देखिए कितना भव्य नज़ारा नंदगांव का। ये तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ कि यह नंदेश्वर पहाड़ पर बसा हुआ है। कंस के आतंक से परेशान होकर अपने परिवार सहित नंद बाबा यहाँ आकर रहे थे, तभी से इसका नाम नंदगांव पड़ा। नंदगांव का भव्य नज़ारा देखते ही बनता है। साफ सुथरी गलियाँ, भगवान कृष्ण के रंग में रंगमी हुई यह नगरी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यहाँ कण कण में व्याप्त है। प्रत्येक घर में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ बहुत भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं कि जिनके घर में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ उनके दर्शन पाना भी बहुत सौभाग्य की बात है। ये नंदगांव बसा हुआ है। ये सामने लाल कलर का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके दर्शन भी करने योग्य।